भैया की एज क्या होगी वैसे? 8 मंथ की एज में ये देखो बाग से भी हैवी लग रहा है क्यों? 1.5 साल तक क्या दूं? पंकज जी आज हो जाएगा आपका केस सॉल्व आउट ऑफ रोमन, रिहा हो जाओगे आप। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। तो गाइज, आज का ब्लॉग कुछ इस टाइप से है। पंकू को है थोड़ा कोर्ट में काम, और भाई तो आज आए हम पंकू भाई के साथ, तो आज चलते हैं बढ़िया से कोर्ट में। और छोटे मोटे केस है ना, तो पंकू का चलते रहता है और अपना भी। तो आज बढ़िया से दोनों भाई कोर्ट का काम वाम करा के आते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं ब्लॉग में आज पिथौरागढ़ की छोटी सी मार्केट। बाकी कल भाई पैर रेड में लगी थी, उसके बाद भी भाई हम पंकज भाई के काम के लिए आज मार्केट पहुंचे हैं, वरना आज मेरा कोई भी प्लान नहीं था मार्केट आने का। बड़े रिश्तेदारी निकी हुई है केस में, रिश्तेदारी वाली भी है भाई यार, वो केस नहीं बताएंगे पर जानते ही हो वहाँ पे। तो चलिए पहले केस वेस निपटाते हैं, उसके बाद पहले कोर्ट में जाएंगे। ये आपके लिए पूरा इंटरेस्ट और फुल मतलब सस्पेक्ट रहेगा कि हमारा क्या काम है आज कोर्ट में। तो बने रहिए वीडियो के साथ और दिखाते हैं आपको केस वेस निपटा होगा आज। चलिए जरूर। तो गाइस ये देखो आज कहाँ पहुंचे हैं पंकज जी का कुछ केसेस टाइप का हो गया है मतलब, पर क्या हुआ है ये बताएंगे नहीं। तो अभी चलते हैं अपने पर्सनल वकील आपके पंकज जी। ओ भाई थोड़ा शर्मा टाइप का भी रहे हैं और नहीं रहे बनवाते हैं वीडियो तुम्हारा। तो चलते हैं एक बार नीचे। कौन था जी? हैं कौन था जी बता दो कौन था? अभी अभी नहीं अभी नहीं अभी अभी छोड़ दे सबकी जरूरत था। चल तो गाइस अभी पंकज भाई आ रखे हैं साइबर में, क्योंकि इन्हें निकाला एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ऊपर पे इनका काम नहीं हुआ और सीधा कोर्ट से इनको रफा दफा करते हुए भगा दिए पंकज जी। पानी दे रहे हैं अपनी मर्जी से अभी दोबारा जाएगा क्यों यहाँ जाना पड़ता है कि बहुत विचलित है ना तो अभी दोबारा जाएंगे भाई आप देखो। तो भाई बदमाश देखो आ चुके हैं, ये नहीं दिखा ये क्या चीज है बाकी बदमाश तो अभी हम पंकू को छुड़ाने जा रहे हैं अभी हम पंकू को छुड़ाने जा रहे हैं जो इसका केस है, उसको आरफा दफा करके आएंगे। क्यों पंकज जी बहुत कांड करके ना हमारा मतलब हस्ती पंकू की हुई और कांड भी इसी ने कर रहा है, इतना मासूम मत समझो आप इसे। बाकी न्यायालय में चलते हैं, आज तेरे गुनाहों की सजा भी ली थी। हाँ हाँ बहुत पाप करे। और बेटा यहाँ आते ही देखो कैसा एंट्री में कैसा सीन है, ये देखो भाई साहब किसी के पास चले, किसी और के पास, किसी के पास चले। बैठो बैठो पंकज, कार्रवाई शुरू की जाए। अब देरी नहीं फटाफट झट पंकज जी आज हो जाएगा आपका केस सॉल्व आउट ऑफ रोमन, रिहा हो जाओगे आप, आपका करियर बच गया है। फर्स्ट टाइम कोर्ट में भाई, पर अब पंकु तो आते रहेगा। काम ही क्यों करते हो पंकज जी जो इधर आना पड़े? तो गाइस अभी कोर्ट का काम हो चुका है खत्म, बाकी रफा दफा हो गया पूरा ही मैटर पूरा डन कर दिया पंकू ने। तो अभी बढ़िया से चलते हैं एक राउंड मार्केट की तरफ। शहर में शॉर्ट से कहाँ आ रही दिक्कत, किसी से नहीं होता है तो अभी चलते सीधा मार्केट की तरफ। और अभी मेरे को इल्ट्रॉन भी जाना है अपने कोचिंग सेंटर, अपना सर्टिफिकेट लेने जो मैंने कर रखा है वहाँ से। कुछ कर रखा है, कुछ कर रहा है, करके दिखाया है, कुछ करके दिखाया है पहले, सक्सेस सक्सेस। तो गाइस अभी हो चुका है यहाँ का काम, बाकी अभी चलते हैं मार्केट की तरफ। और आज मैंने ले रखा है नया माइक बोया M1,
और ये चेकआउट करो। अभी इसकी साउंड क्वालिटी आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अभी एक राउंड घूमते हैं और ऑडियो कैसी आ रही है, बस ये क्लियर आ रही नहीं आ रही है, मैं उनको कंफर्म कर देना यार। तो आज का सफर हो चुका है, अब हमारा शुरू। बाकी आज माइक की ये साफ करो पंकज जी, तुम पहले मीटर एक बार, एक राउंड। ये मीटर खराब हो रहा है, मीटर खराब है, तेल सही उतारते हैं बस। और क्या चाहिए, अरे आराम से आराम से। तो अभी पिथौरागढ़ में चलेगा पंकज जी की क्या ये फसीनो है ना नहीं तो ZR 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 स्ट्रीट रैली 1000 ये हमारे से 1000 है भाई, ये ZX10R है ये। हाँ बेटा आया भूसा ही बोल दो तुम इसको, आया भूसा, आया भूसा भी फेल, आया भूसा फेलू। तो गाइस ये देखो आप, आजकल पिथौरागढ़ में कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लगने लग गया है यार। पंकज जी का कॉल आ रहे हैं, साइड में लगा लो। कहाँ से लगाए साइड में? आजकल पिथौरागढ़ में जाम ही जाम लगने में है भाई, जहाँ तहाँ। तो भाटोटा जी रोड में रुक रहे हैं। हाँ तो सिस्टम हो चुका है फुल सेट, अब दिखाते हैं आपको भाटकोट का जर्क। पंकज जी, पंकज जी हमारे स्कूली मित्र हैं और हमारे काफी खास हैं। बाकी आज इनका कोर्ट का केस हमारे उससे ही निपट पाया, वरना आज तो इनका कोर्ट केस ऐसा ही देख रहा था मैं। अब बात की कह रहा है, ज्यादा हम पढ़ाएंगे नहीं, सच्चाई बाहर निकल जाएगी, सच्चाई बाहर निकल जाएगी। और कल को तो वैसे भी हमें आना ही है, कॉन्ट्रोवर्सी में ज्यादा रहते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी में ज्यादा रहते हैं यार। और गाइस आपको मीटर देख के लग रहा होगा ये गाड़ी भग रही है, पर काफी तेज भग रही है यार। भाटकोट का क्या नहीं करके क्यों ये भाई। और पब्लिक का ऐसा एपिक रिएक्शन आ रहा है ना भाई, जैसे तो ZX10R फेल है यार बकरू के हिसाब से, हल्के में लेते हैं ना लोग यार। और ये व्यू चेकआउट करो आप जी, व्यू दिखाने हम आपको यहाँ लाए, बस इसी व्यू के लिए हम आपको यहाँ पहुँचाए हमने आप। आगे से हम आपको नैनी से निकल बढ़ जाता पक्के वाला व्यू। हम वहाँ एकदम भटकी जाओगे आप बेटा, आती फंसे हैं कर रहे से भी यही लग रहे हैं क्यों, डेढ़ साल से भाई साहब, 8 मंथ का पपी देखो कितना बड़ा है ये बदन में। और गाइस ये रहा कपल पॉइंट, यहाँ हमारा आने दूर दूर तक कोई नाते नहीं है, यहाँ वाले का हमारा कोई मकसद ही नहीं है, हम तो बस आपको व्यू दिखाने ला रखे हैं। और गाइस ये देखो हमें भाटकोट में कौन मिला है, भाटकोट का डॉन छोटे भाई, क्या नाम हुआ? मैं विक्की चुंगा। हैं? खींचूंगा। एक बार डांस तो कर दे फिर, एक ही बार डांस 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 ये डांस करना यार छोटे, डांस क्यों नहीं कर रहा ये। नाम क्या हुआ छोटे भाई? दीपांशु नगल कोची। क्या दूं? फोटो खींचेगा पहले एक बार, अभी मैं खींचता हूँ फिर खींचेगा, ठीक है? हाँ। एक बार दोबारा से बोल दो, क्या कर लोगे? हाँ। क्या कर लोगे? ऐसा बोलूंगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं मैं भी फोटो खींचूंगा, क्या बोलोगे? मैं अपनी फोटो खींचूंगा। इधर देख के बोलो ना, क्या कर लोगे? हाँ। आ द
तो गाइस ये देखो कितना क्यूट सा बच्चा मिला है। बाकी आपको एक सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं इधर से, फिर जाना भी है टकाने की तरफ। भाई साहब चेकआउट करो उसकी ग्रोथ, खाली 8 मंथ का पपी था। गाइस फाइनली अब पहुंच चुके हैं हम लोग लिंक रोड पे, तो अभी जा रहे हैं मेरे इंस्टीट्यूट में और वहां से लेके आते हैं आज मेरा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और आपको भी दिखाते हैं मेरा पुराना इंस्टीट्यूट साइबर। ये अब मैंने सब चीज़ सीख लिया। अब मैं साइबर खोलने की तैयारी में हूँ पंकू के साथ पार्टनरशिप में। पहले आपको दिखाते हैं हमारा इंस्टीट्यूट क्यों पंकज जी, पार्टनरशिप में आओगे नहीं आओगे? जरूर यार तुम क्या आओगे? चलाऊंगा। तो गाइस ये बोर्ड सोच के आप उल्टा मत सोचिएगा, इसके 3 मंजिल फ्लोर में है। पंकज जी आप कभी आए हो इधर? तुम्हारा तो आना जाना लगा ही रहता होगा। तो गाइस आज सर्टिफिकेट तो मिलने थे, पहले पता करते हैं। खाली है भाई, आजा अंदर चलते हैं एक बार। तो गाइस बाहर पे तो कोई नहीं, एक बार अंदर की तरफ चलते हैं। आजा आजा। पंकज जी मेरे मार्क से देख के आप क्या कहना चाहोगे? अभी आपको दिखाते हैं गाइस, ये देखो ए ग्रेड से पास हुआ हूँ भाई, फर्स्ट सेमेस्टर में 78.89, दूसरे में 83.40। ये देखो कंप्यूटर का डिप्लोमा विथ ए ग्रेड। नौकरी में लगाना चाहिए तो लगा सकते हो इसको, तो थोड़ा किसी भी धंधे में लगा, थोड़ा जल तो रहे पंकू मुझे देख के, पर कोई बात नहीं। अब पंकू और मैं साइबर खोलते हैं इसके बाद इधर। तो गाइस फाइनली अब ले लिया है ड्रोन से अपना सर्टिफिकेट। बाकी सर का बिहेवियर काफी अच्छा लगा यार मुझे, और सर कह रहे थे बाकी भी कुछ फ्री के या मतलब इससे रिलेटेड आईटी के कोर्स आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा ग्रुप में। बाकी आज का टूर ऐसा ही था भाई, पंकू के साथ फुल मजे आए। और तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, तो सी यू टाटा बाय बाय, मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।